शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ खुदा के रस्ते की तरफ। वो खुदा के जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और काफिरों के लिए अजाब सख्त की वजह से खराबी है। जो आखिरत की नस्बत दुनिया को पसंद करते और लोगों को खुदा के रस्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं, ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान बोलता था, ताकि उन्हें अहकाम खुदा खोल खोल कर बता दे। फिर खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकी से निकाल कर रोशनी में ले जाओ, और उनको खुदा के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं कुदरत खुदा की निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि तुमको फिरौन की कौम के हाथ से मुखलसी दी, वो लोग तुम्हें बड़े अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे, और औरत जात यानी तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो खुदा भी बेनियाज और काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम उससे कवी शक में हैं। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूछते रहे हैं उनके पूछने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मौजजा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजजा दिखाएं, और खुदा ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों कर खुदा पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, तो परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने खुदा से अपनी फतह चाही तो हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख किसी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले और उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ दस्तरस ना होगी, यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे तो ज़ईफुल अक्ल मुत्तबे अपने रउसाए मुतकब्बिरीन से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम खुदा का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर खुदा हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते, अब हम घबराएं या सब्र करें हमारे हक में बराबर है,
कोई जगह गुरेज और रिहाई की हमारे लिए नहीं है। जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है और जो ईमान लाए और अमल नेक किए वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उनमें रहेंगे, वहाँ उनकी साहिब सलामत सलाम होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत यानी जमीन को पकड़े हुए हो और शाखें आसमान में, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता और मेवे देता हो, और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत पकड़े। और नापाक बात की मिसाल नापाक दरख्त किसी है, न जड़ मुस्तहकम न शाखें बुलंद, जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करारो सबात नहीं। खुदा मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा, और खुदा बे इंसाफों को गुमराह कर देता है और खुदा जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुदा के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा? वो घर दोजख है, सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न आमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से दरपर्दा और जाहिर खर्च करते रहें। खुदा ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि दरिया और समंदर में उसके हुक्म से चले, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक दस्तूर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया, और अगर खुदा के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको। मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशुक्र है। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख, ऐ परवरदिगार उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और खुदा से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। खुदा का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को मगफिरत कीजो। और मोमिनों, मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है, वो उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट ना सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा, तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें
اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔